आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। औराई सीओ का अनोखा कारनामा, योगी जी की पुलिस के इस कारनामे पर भी जरा नजर डालिए। जनपद भदोही में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के बारे में पूरा जनपद जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर अनिल कुमार उत्तर प्रदेश के ईमानदार अफसरों की श्रेणी में आते हैं। यही कारण है कि जो भी पुलिसकर्मी या पुलिस के अफसर जनता की शिकायतों को नजरअंदाज करते हैं, पहले तो उन पर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा निगरानी की जाती है और फिर अचानक सबक दे डालते हैं। जी हां, डॉक्टर अनिल कुमार के सख्त तेवर से आप सभी परिचित हैं। यदि कुछ आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जनता की शिकायतों के मद्देनजर डॉक्टर अनिल कुमार किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को लंबे समय तक एक ही कार्य क्षेत्र में नहीं रहने देते। हालांकि अगर शिकायत मिल जाए तो कार्रवाई करने से पीछे भी नहीं हटते। जहां एक तरफ न सिर्फ जनपद भदोही की बात की जाए, बल्कि पूरे प्रदेश में आए दिन कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की शिकायतें आला अफसरों तक पहुंचती रहती हैं, वहीं पुलिस के कुछ ऐसे भी कारनामे हैं जो अन्य पुलिस कर्मियों के लिए कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश करते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक प्रेरणादायक मामला जनपद भदोही के औराई से प्रकाश में आया है, जहाँ शनिवार को एक दिव्यांग फरियादी कोतवाली औराई पहुँचा, अपनी फरियाद लगाने के लिए इंतजार कर रहा था। अचानक दिव्यांग फरियादी पर औराई सीओ डॉक्टर उमेश्वर प्रभात की नजर पड़ी। फिर क्या था, हमेशा की तरह दिव्यांग की तरफ दौड़ पड़े। दिव्यांग की ट्राईसाइकिल को खुद ही धक्का लगाकर पेड़ की छांव में लेकर आए, उसे पानी लाकर अपने हाथ से दिया और बोले कि यदि आने में समस्या थी तो आपने फोन कर दिया होता, हम आपकी समस्या का समाधान घर तक आकर करते। हालांकि तत्काल उन्होंने लेखपाल और एसआई की संयुक्त टीम को दिव्यांग के पास बुलाया और कम से कम समय में दिव्यांग की शिकायत का निस्तारण करने का निर्देश दिया। ऐसे कई मौके आए जब बात करते करते औराई सीओ डॉक्टर उमेश्वर प्रभात सिंह को लोगों की मदद करते देखा गया है। निश्चय ही जनपद भदोही ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पुलिस की इसी तरह की कार्यशैली की जरूरत है, ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके और जनता को यह एहसास हो सके कि पुलिस उनकी सुरक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए है। अन्यथा सर्वविदित है कि जनता थानों पर जाने से डरती है। दरअसल शनिवार 24 जून को थाना समाधान दिवस के दौरान औराई थाना अंतर्गत दयालपुर गांव निवासी दिव्यांग फरियादी धनीलाल यादव अपनी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा किए गए कब्जे की फरियाद लेकर औराई थाने पहुँचा था। निश्चय ही जनपद के आला अधिकारियों द्वारा ऐसे पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत करने की आवश्यकता है, ताकि बाकी पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी सबक लेते हुए जनता के साथ सौम्यता पूर्वक व्यवहार करें। हालांकि इस दौरान कमिश्नर विंध्याचल मंडल डॉक्टर मुत्तु कुमार स्वामी भी दिव्यांग फरियादी के पास पहुंचे और उसकी समस्याओं को सुना। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ कृष्णा दुबे की रिपोर्ट। पुलिस पर हम भेजेंगे, तुम्हारी जमीन है ना, आप निश्चिंत रहो। उनकी सभी से आप देख लें, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। आप हमारी जमीन मिल रही है आज ही जाएंगे, अगले दिन नहीं जाएंगे। इतनी तुमको बताओ, हम यहाँ से भी हम लोग आज ही जाएंगे। कौन है दबंग वहाँ वैसे? यही बगल में ओम प्रकाश है। हाँ, ओम प्रकाश है। उसके बाद कौन होगा? ओम प्रकाश है। अलग होगा जब प्रधान जमीन कितना बीघा है? 11 बीघा। 11 बीघा।
लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।